का चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप अध्ययन चर्चा में बाबा साहेब अंबेडकर का आलेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा को ले रहे हैं। इसका सारांश और गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को हम करेंगे। इसके पहले हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध शिरीष के फूल को अध्ययन चर्चा में ले चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के इस आलेख जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर केंद्रित है उसका सारांश। इस आलेख में लेखक ने जातिवाद के आधार पर किए जाने वाले भेदभावों को सभ्य समाज के लिए हानिकारक बताया है। इतना ही नहीं, जाति आधारित श्रम विभाजन को वे अस्वाभाविक और मानवता विरोधी भी बताते हैं। असल में श्रम विभाजन ही सामाजिक भेदभाव को बढ़ाता है। जाति प्रथा आधारित श्रम विभाजन में व्यक्ति की रुचि को महत्व नहीं दिया जाता। फलस्वरूप व्यवस्था के साथ अपनाए गए पेशे में कार्य कुशलता नहीं आ पाती। गुणवत्ता नहीं आने से आर्थिक विकास बुरी तरह प्रभावित होता है। आदर्श समाज की नींव समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर टिकी होती है। समाज के सभी सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए सबको अपनी क्षमता को विकसित करने का तथा रुचि के अनुरूप व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजनीतिक को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और वह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो यह था श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक आलेख का सारांश। और अब चलिए इसी आलेख पर आधारित गद्यांशों के आधारित प्रश्नों के उत्तर करते हैं। गद्यांश आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, उसे देख लीजिए और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो प्रश्न पहला है इसका, जातिवाद के पोषकों के समर्थन का आधार क्या है? उत्तर है, जातिवाद के पोषक अपनी मान्यता के समर्थन में कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता लाने के लिए श्रम विभाजन जरूरी है। जाति प्रथा इसी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, लिहाजा इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रश्न दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर। उत्तर है, इस तर्क में आपत्तिजनक यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यह ठीक है कि श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु कोई भी सभ्य समाज श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं कर सकता। और अब प्रश्न तीसरा स्क्रीन पर, इसका उत्तर है, भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो करती ही है, इसके साथ साथ विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच के भेदभाव से भी भर देती है। ऐसा विश्व के किसी और सभ्य समाज में नहीं होता। प्रश्न चौथा आपके सामने स्क्रीन पर और इसका उत्तर है, जी हां, हम लेखक के इस मत से सहमत हैं। भारत में जातिवाद एक गलत रूप लेता जा रहा है। श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन और उनके बीच भेदभाव की भावना अनुचित है। अब एक और गद्यांश ले रहे हैं इसी पाठ से और वो भी स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। इसके बाद इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे हम। तो लीजिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है और उसका उत्तर।
जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि उस पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या रुचि को भी कोई महत्व नहीं दिया जाता। और अब दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर, उत्तर है, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या है बहुत से लोगों का अपने निर्धारित काम को अरुचि और व्यवस्था के साथ करना। यह प्रवृत्ति टालू और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। और अब तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर, उत्तर है, व्यक्ति उन व्यवसायों से बचना चाहता है, भागना चाहता है जिन्हें समाज अनुचित मानता है। यही कारण है कि इस प्रकार के कामों में लगे हुए लोग अपना काम अरुचि और विरक्ति के साथ करते हैं, और जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें हिंदू समाज त्याज्य मानता है, नीच समझता है। प्रश्न चौथा स्क्रीन पर, उत्तर है, यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि आर्थिक पहलू से भी ज्यादा खतरनाक एवं हानिकारक जाति प्रथा है। इसका कारण यह है कि मनुष्य की स्वाभाविक रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उसे निष्क्रिय बना डालती है। तो यह था बाबा साहेब अंबेडकर के आलेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर वाला हिस्सा। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।